डॉक्टर साहब, कुछ घबराने की बात तो ना है? तो फिर इसके बैठना चश्मा चश्मा तो चढ़ाई का इसका बंदा कहीं पर टाल कर ली सर। अखनू में तू भैंसों के पीछे मतना बातचे कर, पर कहा आते चश्मा ना चश्मा कह रहा बहरा बहरा तो सारी दुनिया कह है मुझे, पर काम की बात सारी सुना है मुझे। डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। हाँ क्यों नहीं, बहुत जल्दी हल्दी हल्दी तो दोनों टाइम दे रहे हम इतना दूध के, तुम कहोगे तो तीन टाइम कर देंगे। अरे कोई डॉक्टर तू बता देगा या तू ही बनेगा वैद? चाय बना के लिया डॉक्टर साहब के लिए। चाय नहीं पीता तो फिर दूध मंगवा दू पिता गिरवा के। दूध ही नहीं पीता जी। ऐसा कैसे हो जाएगा डॉक्टर साहब, कुछ तो पीना पड़ेगा। बेटी एक काम कर, मुझे परसों भैंस दी थी उसका खीस ले आ। खीस? खीस? खीस तो जरूर देंगे हम थारी, खीस के हम थारी रखे। यू बात सारे गांव में मशहूर है, घी वालों ने आज लो किसी का पैसा नहीं रखा। अरे ना घी वालों ने किसी पर छोटे। नवाब है तो ठंड दिखा जा, मैं काम कर रहा हूँ तू भी काम कर। काम करेगा तू क्या? थारी है जमीन कमीन? अरे हमें तू कमीन बता रहा क्या? दोनों टाइम तो खुआरे, पर तो गाड़ी दे रहा मैं कमीन की। तुम खुआरे मुझे? अब मैं खुआ रहा हूँ तुम्हें? मेरी मोटरसाइकिल ले ली, 2000 रुपए ले लिए, चैन भी ले ली, गले में खालू फिर बन रहा प्याला, कल का ना सूरत का मोटा जोटा जोटा बता रहा हमारे चाचा को। गरम रात जैसा चाचा हमारा, और तू उसे जोटा बता रहा? तेरा बाप होगा जोटा। अरे तू भी बाप तक पहुंच रहा? बदलू को कुछ कह दिया होगा नहीं तो वह गलती हो जाएगी, और मैं ताले उसकी खाल, और इतना तो है मुझे अपने पे अकीन। अमीर अमीर तो कह रहा वो मुझे। अमीर कह रहा? उसकी क्या हिम्मत है रे? अमीर कह रहा तू होगा तो तेरी क्या चीज़ कमी क्या चीज़ ना हमारे रे तू पकड़ से रे से हम वैसे कमी क्या तो मजा रे सा तेरे समान है क्या?
ਜਾਂ ਪਕੜਤਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਂਟ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਖੀ ਔਰ ਬਦਲੋ ਤੂੰ ਪਕੜੀ ਸਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਭੈਣ ਦੋ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੱਤੀਆ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ मैं जानेगा खेत पे मैं तो तेरे दौरा रहूंगा अरे तुझे भी तो एक मानस चाह है ठीक है अरे तुम कोई सना जाओ आज मैं तुम्हारे और चले जाएंगे खेत पे तुम जाओगे आज तारा रंबन आ गया जाओ मैं कर रहा हूँ मुझे तो फिर मैं क्या करूँ कुछ भी मत करो ठीक है कुछ कर ले तू मैं ये देख लूँ सुनो सब कुछ मैं करूँगा आप जो काम है मुझे जाऊंगा नहीं
जीऊंगा मैं मर जाऊंगा, तेरे जवान किसी के हाथ लगाऊंगा। नहीं जीऊंगी मैं मर जाऊंगी, नहीं जीऊंगा मैं मर जाऊंगा। आँखों को अपनी मत ना आंसू ते भरे, मैं हूँ तेरे साथ गोरी फिकर ना करे। आँखों को अपनी मत ना आंसू ते भरे, मैं हूँ तेरे साथ गोरी फिकर ना करे। मांग मैं तेरी अपने हाथों भर जाऊंगा, नहीं जीऊंगा मैं मर जाऊंगा, नहीं जीऊंगा मैं मर जाऊंगा। प्यार करने वाले कब जमाने से है डरे, जालिम ये दुनिया वाले अब चाहे जो करे। प्यार करने वाले कब जमाने से है डरे, नाम ऊंचा प्रेम का मैं कर जाऊं।
हाँ भाई कुछ समझ में आ रहा? अरे मेरी में तो आ रहा पर तेरे में भी आ रहा कुछ? खूब समझ में आ रहा। हाँ चाचा भी हो गया ठीक। हाँ जोली आप इसे घर से बाहर काटो किसी डाल, यू हमारी इज्जत का हो रहा घात। आजा बेटा मनोज, आजा यहाँ बैठ मेरे थोड़ा। आजा कई बार आदमी सोचे के और पावे कि गलत फहमी हो जा। मैं मनोज को कितना गलत लड़का मानू था और है यू कितना ठीक। ठीक ठीक तो इतने ना करते। बस यही तो बात है, तब खामखा की बातों में इतना टाइम खराब करोगे। अगर इसी टाइम में तुम काम की बात भी तो सोच सको। यह बात तो ठीक कह रहा है बेटे। क्या ठीक कह रहा हो? दूध का काम तुम कर लो और घी का तुम कर लो और पक्की कर लेंगे हम। और जो काम भी यूं ही करना पड़े और आमदनी भी बढ़ जाए तो क्या बुराई है? बुराई इष्ट तो मीडिया कोई बात ही ना है, पर कोई हमें बतावे तो सही हम क्या करें। मैं बताऊंगा फिर बता, हम तो वैसे ही कर लेंगे। तुम दूध का काम तो करो ही हो। हाँ ठीक है, एक काम और करो मावे का, खोए का काम। शहर में मावे की बहुत अच्छी खपत है, यहाँ मावा काट दो और शहर में बेचो, वहाँ इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। दाम तो ठीक मिल जाएंगे पर मावा काटने के लिए कटाई पटाई की जरूरत तो पड़ेगी। मावा एक बारी तो खरीदनी पड़ेगी, फिर तो थारी हो जाएगी। सही बात है, फिर तो हमारी हो जाएगी। और कोई बात नहीं, मैं खरीद लूंगा एक कटाई। पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में ही तो कमजोर रह गए हम, और इसी वजह से भारत में शहर वालों से बात नहीं करी जाती। तो ठीक है, मैं हूँ तो सही शहर वालों से बात करने के लिए। तो एक काम कर बेटा, मुझे तो तेरी बात घनी बढ़िया लगी। अब तो टाइम नहीं, कल को मैं और तू दोनों शहर चलेंगे और किसी डेयरी पे मावे की बात करी आऊंगी। तैयार हो गया? मैं तो तैयार हूँ, थारी बाट देख रहा हूँ। मोटरसाइकिल पर चलेंगे? हाँ तो रुक जा, मैं थोड़े से पैसे और ले आऊँ, घर का सामान लेते आऊंगे। ऐसा कैसे हो सके? अगर मैं बाजार जाऊं और तेरे लिए कुछ न लाऊं, बता तुझे क्या पसंद है? मुझे तो तू पसंद है। मैं तो हूं ही तेरा, पर बाजार से क्या लाऊं ये बता। जो लाओगे वो ही रख। चल भाई। इतने अरमान से तूने जो दिल मुझको दिया, अच्छा किया, मेरा दिल करता तेरा लाख लाख शुक्रिया। पाँव राहों में प्यार की अब तो रख ही दिया, मेरा दिल करता तेरा लाख लाख शुक्रिया।
अरमान से तूने जो दिल मुझको दिया अच्छा किया, मेरा दिल करता तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस राह में घबरा न जाना, मुझे डर कैसा, मुझे यार मिला मस्ताना। मुश्किलें आती है इस राह में घबरा न जाना, मुझे डर कैसा, मुझे यार मिला मस्ताना। तू भी दीवानी है जो मुझ पे भरोसा है किया अच्छा किया, मेरा दिल करता तेरा लाख लाख शुक्रिया। कितने अरमान से अपना ये दिल तुझको दिया, सुन ले पिया, पाँव राहों में प्यार की अब तो रख ही दिया। मेरा दिल करता तेरा लाख लाख शुक्रिया। अपना भी यही इरादा, तेरे संग जीना भी और मरना भी ये अपना वादा, नहीं पीछे हटूंगा अपना भी यही इरादा। रहेंगे संग संग फैसला ये ले ही लिया, सुन ले पिया, पाँव राहों में प्यार की अब तो रख ही दिया। इतने अरमान से तूने जो दिल मुझको दिया अच्छा किया, मेरा दिल करता तेरा लाख लाख शुक्रिया। पाँव राहों में प्यार की अब तो रख ही दिया। इतने अरमान से तूने जो दिल मुझको दिया अच्छा किया, मेरा दिल करता तेरा लाख लाख शुक्रिया। पाँव राहों में प्यार की अब तो रख ही दिया, मेरा दिल करता तेरा लाख लाख शुक्रिया। मुझे बताओ कितना खींचा, मैं तोल दूंगा। मुझे अपना हिसाब चाहिए और ये बात भी ठीक है। अरे तुम फालतू की बकवास तो कम करो, तो बताओ मनोज कहाँ है? मनोज का क्या काम है थारा? मैं मनोज का बाप हूँ।
मनोज थारा बहुत बढ़िया लड़का है जी। मनोज तो बढ़िया है पर तुम तो बढ़िया ना पाए। भैंस की खातर तुमने हमारा छोरा डाल दिया है। सब सुनने की थी भैंस। कोई बात नहीं, भैंस का नुकसान मैं भुगत लूंगा। तुम ले जाओ मनोज। मनोज को तो लेने आऊंगा, लेकर जाऊंगा, पर तू क्यों भुगत लेगा अपना नुकसान? फंसा सान ना चाहता है मैं। अपना हिसाब बता फटाफट, फिर मैं और मनोज चले। पकड़ अपने पैसे, चल मनोज। रुको, ना बेटे कोई बात नहीं, ना तो थारी अमानत थी मेरे पे। और ये बात भी ठीक है। Thank you.
छोरी तन्ने भी तो यू चाला कर दिया, ए छोरी तन्ने भी तो यू चाला कर दिया, लूट लिया हा हा हा, लूट लिया सब कुछ मेरा रह के गया, ओए लूट लिया सब कुछ मेरा रह के गया। बढ़ता रहे, चलता रहे प्रेम
का यूं ही सिलसिला चलता रहे, प्रेम का यूं ही सिलसिला लूट लिया, हा 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 लूट लिया सब कुछ मेरा रह के गया, ओए लूट लिया सब कुछ मेरा रह के गया। छोरी तन्ने भी तो यू चाला कर दिया, ए छोरी तन्ने भी तो यू चाला कर दिया, लूट लिया हा 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 लूट लिया सब कुछ मेरा रह के गया, ओए लूट लिया सब कुछ मेरा रह के गया। मीठा मीठा दर्द देके दिल ले गया, लूट लिया सब कुछ मेरा रह के गया। भैया जी ना लगता पढ़ाई में, पढ़ता नहीं तो भैया कहीं नौकरी कर ले, नौकरी मिल जाएगी। ये बात कर रहा है यार, पुलिस के फार्म निकल रहे हैं, वहाँ अप्लाई तो करके दे। अप्लाई तो कर दूँ, पर सेहत तो चाहिए, फिजिकल में निकल जाऊंगा। घी खाएगा सेहत बन जाएगी। आज हम बहुत खुश है, हाँ बहुत खुश है आज हम, हमारा तो आधा फिक्र मिल गया। बेटी आज रोटी बना बढ़िया, घी लगा के, घी लगा के, जब घी लगा के रोटी पोवेगी वो मेरे में रोटी रह जाएगी के परामते ना हो जाएंगे। अरे अरे तू, उन्होंने तू भी बता कतेगा आदमी आओगे भाई। भाई मेरे से नहीं पूछेगा, मैं तो उन्हें नूप आया, खरी जितने मर्जी इतने आ जियो। मैं समझ गया, या कमजोरी है। चक्कर का क्या मतलब? वैसे चक्कर तो मुझे जवानी में भी आ जाया करे। आपको कभी बुखार से नहीं बन जा? बुखार का क्या मतलब? बुखार तो मुझे तीर्थ यात्रा था, पहले आया था, आया तो एक साल के भीतर ही भीतर है ना। कमजोरी है Thank you.
भाई खैच तो नहीं लगा तीनों को तेरा क्या होगा। कैसे मेरी तबीयत ठीक ना, मैं जरा डॉक्टर के ये ना देखते हम बंद कर दिया हमने तो ले गया हमें परसों सरसों का तेल ना देखते ही देख गए हम तो। मैं घी तो मांग रहा हूँ ना, उसके मांग रहा हूँ मैं खेत पर जा रहा हूँ कच्चा मार देख रहा हूँ। कल तो मैं तुम्हारे ऐसा कौन सा पल है जब तू मेरी यादों में ना रहे, ऐसी कौन सी आठ जिसमें मैं तुम्हें महसूस ना किया, मुझे तो हर से बस तू ही तो नजर आती है। चल खुद को भूल जाना तो क्या मजाक करने की चाल मारो। अच्छा एक बात है, इसका बिजनेस जो फैला मस्से आने के बाद ही फैला, मस्से आने के बाद ना दिखा ही बिजनेस शुरू। हाँ यही तो है, यही तो चक्कर दिखे है। कौन सा चक्कर भाई? वही याहू याहू वाला। अच्छा वो, पर इसकी गलती ना है। नए जब रिश्ते बढ़ते हैं ना तो पुराने टूट जाते हैं। कैसा वो तेरा नया दोस्त, कैसी मारी बाप की? तो फिर कैसी है? जवाब कितनी है वो
उसको भी खबर नहीं, ओ जुल्फे काली है हाय गाल पे लाली है, ओ जुल्फे काली है हाय गाल पे लाली है। घने गजब की यार गया दिल हार, बड़ी दिल वाली है है हम जान है उसके पास, ए, बेशक यहाँ पे है हम जान है उसके पास, हमें नहीं है कुछ पता पर मिलने की है आस, हमें नहीं है कुछ पता पर मिलने की है आस। घड़ी वो आली है जो मिलन वाली है, घड़ी वो आली है मिलन वाली है। घने गजब की यार गया दिल हार, बड़ी दिल वाली है ए, भोली भाली है जरा मत वाली है, भोली भाली है जरा मत वाली है। जो हम पहले थे वही आज हैं, और ना हमारी पहले मांग थी और ना आज। फिर भी रणवीर सिंह की पूछना तो पड़ेगी है, सारी बात पहले साफ हो जानी चाहिए।
नहीं तो इस देश के चक्कर में दो घरों का नाश हो गया। खैर यो बात तो तुम ठीक कहो, मेरा आने का मकसद तो सिर्फ ये था कि तुम्हारी तरफ से 12 तारीख पक्की, अब तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नहीं नहीं चौधरी साहब, हमारी तरफ से भी 12 तारीख पक्की, मैं तो कल ही रात को भेजता, तुम खुद आ गई और बढ़िया बात रही, सारी बात भूल गए हो, तारे भी लड़का केला और हमारे भी लड़की केली, खूब जोर लगाओगे। बस तो फिर करो तैयारी, सारी धूमधाम से करेंगे। अच्छा अब मैं चलूंगा, फिर गाँव के तांगे भी ला मिलते। ना ना चौधरी साहब, आज तो रुकना पड़ेगा, हाँ कल चलेंगे। ना ना चौधरी साहब, जाना तो आज ही पड़ेगा, एक भैंस अंतर पड़ रही वो दूध ना देने की। अरे ओ बदलू, तू एक काम कर, चौधरी साहब को तांगे लो छोड़ का। तोड़ का मेरे पे केले में बड़ा तांगा टूट रहा। चौधरी साहब को तांगे लो छोड़ का। अच्छा अच्छा थोड़ का हूँ, आओ जी। अच्छा जी चौधरी साहब। आजा बेटा, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। क्यों के बात होगी, भैंस पाली? ना ना भैंस तो ना पाई, तुम्हारे सिर पर बोझ उतर गया। कर्जा था के कोई? कर्जा तुम्हारा था बेटा। फिर इतने खुश क्यों हो रहे हो, के बात होगी? बंदू नहीं, फिर तुम कहेगा तो मिठाई खुआओ। उषा ले ये बेटा कुछ मिठाई सिठाई से। बाद में देखी जाएगी, पहले बताओ बात क्या है। बात क्या है बेटा, हमने उषा की शादी पक्की कर दी। शादी? शादी कैसे पक्की कर दी मेरे बगैर? सोच तो मैं भी नहीं रहा था, अब तुझे बुला लूं, पर कहीं भी ना मिला। एक वो रणबीर भी घर पे आ गया था। रणबीर कौन? रणबीर के छोरे जी तो हरी उषा की शादी। क्यों रिश्ता नहीं होने का? क्यों क्यों नहीं होने का? ये नहीं होने का कि उषा की शादी तुम उषा की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, बताओ आपकी मर्जी का। मुझे बता दे, भी तो कह रहा हूँ बेटा, हम उषा के बड़े हैं, हमने जो फैसला किया वो सोच समझ के और देखभाल के। और ये फैसला तारा सही नहीं? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ही बेटा है हम, ये बेटा ये गलत क्यों है? यू बहुत चीजी कर रहा, अरे गलत है यू वो जिससे। उषा बेटी तो खुश है ना, हम तेरी शादी कुछ तो कर रहे। रोज घर में ब्याह जी कर चले, तेरे बच्ची भी नहीं बताई गई। तमाशा ना हो रहा है ना, जा तो बड़ा काम कर अपने को। चाचा जी बारात अभी भी परसों को ही आओ, पर आप बिरजू की जगह मनोज आओ। मतलब उषा की शादी मेर तय होगी, बिरजू तरी। मनोज वो साथ मार के ले और चुपचाप चले जाओ। मनोज बेटा तू चला जा, बहुत बढ़िया, बस अब तू जा। मैं इतने ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाऊं जब तक तुम मेरी शादी उषा से करने का वादा नहीं करोगे। बाहर कर दो ऐसा करता, बर्दाश्त की मैं हद हूं, बर्दाश्त मैं भी नहीं कर सकता मेरे और उषा के बीच में हो जा। उषा आदमी को पता चल जाएगी मेरे प्यार में कितनी ताकत है, ये मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकते। Oh, my God.
चलो ठीक है सारे कार्ड ढूंढे पर नाम भी ऐसे कर रखे नाम हाँ जा सुन ले उनमें सबसे बड़ा है उनका चाचा और नाम है टीटू ऐसा लगा जैसे पीठ में तो झोटा बांधता है झोटा ही बांध उनमें एक का नाम है बदली और वह बहरा उसे कहवे लिया चार पकौड़े और उठा ले वो चार पकौड़े मनोज क्या बात है बेटा चुप रहना तो किसी समस्या का हल नहीं है बेटा तुम्हें दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या लगे तू और तेरी खुशी मेरी खुशी इसी में है तो मेरा ब्याह कर दे तन्ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा हम भी यही चाह रहे थे पर लड़की तो देख ले लड़की पिताजी की देखी हुई है कौन टीटू की भतीजी उषा उषा पहली बात तो यह जो तू चाह रही है वो हो नहीं सकता और दूसरी बात यह अगर मैं मान भी लूं तो यह काम और समाज के कहेगा चाचा काम और समाज के कहने का मुझे इस पे कोई परवाह नहीं मैं बस इतना चाहती हूँ चाचा कि अगर मेरी शादी होगी बेटी जोश में होश ही खोया इस टाइम तो गर्म दिल की सुन पर तुझे ये भी पता होना चाहिए जिसकी कोई जवाब नहीं होती उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं होती और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करें सारी बात सही है पर यो नहीं जो सारी बात सही है फिर क्यों नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता मैं जवान दे चुका मैं वादा कर चुका मैंने आज तक किसी का आगे हाथ नहीं जोड़ा मैं अपने बेटे की खुशी के आगे आगे हाथ जोड़ता हूँ मनोज और अनुषा की शादी करवा दे चौधरी साहब शर्मिंदा ना करे अब नहीं हो सकता अब तो शादी की तारीख भी तय होगी कुर्बान न करके तुम्हारा दे तो शादी है यह बात तो तुम बच्चे के प्यार की वजह से कह रहे अपने आप को संभालो चौधरी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो साहब बस मनोज और उषा की शादी करवा एक बार ठंडे दिमाग से सोच चौधरी अगर तू मेरी जगह होता और यही हालात जो आज मेरे सामने है तेरे सामने होते तो तू क्या करता तो मैं भी तो मना ही कर रहा हूं हमें इस बात का नहीं पता था जी हम इस बात का पता जरूर काट देंगे और अगर ये बात सही पाई गई तो हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे ये बात तो बिल्कुल सही है जी सारे काम में धूत हो रही इसे देखते वही गुस्सा मनोज की बात करता तो है इसके अलावा तो और कोई बात नहीं यही बतेरी बड़ी बात है जी आपको देखी मक्खी तो निगड़ी नहीं जाती खैर यो बात भी ठीक है बिरजू
बिट्टे बिरजू। बिट्टे खाट लत्ते का इंतजाम कर ले और एक गिलास में दूध लेकर। ना जी रुको नहीं, मैं मुझे एक जगह और भी जाना। अच्छा अच्छा ही राम राम। पिताजी वहां ना जा रहे? कहां? ये जो आदमी आया था किसी से काम नहीं था, बावड़ा हो रहा है। अरे सही भाई ना हुआ करती ऐसी बात, ऐसी बात पता नहीं कितनी चले। पिताजी कुछ ना करें, मुझे ही करना पड़ेगा। ये नाम बताया था उसने? बिरजू, मैंने सारी कोशिश करके नहीं की, मैंने आज लोग किसी का आगे हाथ नहीं जोड़े, पर आज तुम उस टीटू का आगे भी हाथ जोड़े, पर टीटू नहीं मानने। यूं बड़ा मान रहे हैं मेरा जी में? और गलत तुम्हारा उनके? दो ना भी दो, अकल है उनमें कोई सी में? बेटा एक बात सोच, कैसे कर देंगे तेरी अनुसार की शादी, तो सारी बात तय होगी। उसने जबान भी दे दी, आखिर काम में उनकी भी तो कोई इज्जत है। बेरिया तुमने उनके हाथ जोड़े, मेहनत करी, फिर भी उन्होंने थारी बात नहीं माननी, मतलब हमारी कोई इज्जत ना। अब कुछ भी हो जावे उसा इस घर की बहुत बढ़ गए। मनोज होश में आ, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। और तू देखता रहिए, उसा से भी सूत्री तेरी को लेके आवाऊंगी। बात मेरे ध्यान की ना है, बात अब इस घर की इज्जत की। मनोज गलत ये भी ना है। गलत सही का मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे जो करना है मैं कर देना। आवेगा 23 के रास्ते से। दुनिया कहती है कि अगर किसी से दुश्मनी खत्म करनी हो तो पहले उससे दोस्ती कर लो, मगर बिरजू महाराज कहते हैं दुश्मन खत्म तो दुश्मन खत्म। भाई वाह, क्या उसूल है बिरजू महाराज के। तेरी उस नई चेले का तेरा हाँ सीमा का हाँ हाँ वही होना के था, उसका भी वही हुआ जो बाकी सबका हुआ था। बिरजू सिर्फ तितलियों से खेलता है, उन्हें पालता नहीं। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिरजू महाराज को कोई मार दे, और जिसने गुस्ताखी की समझो। महाराज शिकार का नाम दिया और शिकार हाजी गोरा मनोज। मैं रास्ता क्यों रोक्या? इसलिए कि तुम मेरे रास्ते में। खुद किसी के रास्ते का रौड़ा होते तुम्हें ये सवाल न पूछना। कोई यहाँ सवाल करने का हक सिर्फ शायद तू ये नहीं जानता कि तेरे जैसों का जवाब तेरी जबान वहां भी बहुत चल रही है। हाँ वहां कहा, ये तो हमारी पहली मुलाकात है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। फिर मर जाएगा? मैं नहीं तू मरेगा। अच्छा ज्योतिषी जब जाने
मनोज। हाँ वही। ये अब क्या हो गया? मुझे कुछ लोग बगीचे के पास हुए थे। शर्मी की भी सारी हदें पार कर दी। भाई क्या करे जमानी कर। हमारा रिश्तेदार है, इसी से तो हम शादी शादी कर रहे हैं। छोड़ दे बच्चे का यू बच्चे का पकड़ दे मनोज मान के छोड़ दे छोड़ दे हमारी यही गलती है जो हमने थारा रिश्ता ले लिया। ये जुबाने तेरी मरवाया था हमारे शहरों को यहाँ। नहीं रणबीर सिंह, मैं आज भी अपनी जबान पर कायम हूँ, पर ब्याह मुझे थोड़ा ही करना है, ब्याह तो छोड़ी को करना है। अरे कैसा गाँव है, तू मरे सब रिश्ते करने और तोड़ने बालकों का खेल है। और यह बात तो ठीक है, जब हमें अभी तक बात का नहीं पता तो हम क्या बोल रहे। ये इसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हैं, यह कोई बढ़िया बात है? या कोई गाय भैंस है जिसके चाहे पीछे बांध दो? अरे एक बार इसकी मर्जी तो पूछ के देखो। तू चुप रहो, जो भी होगा चाचा की मर्जी का होगा। तू भी ठीक कह रहा, जो भी होगा चाचा की मर्जी का होगा। और यह बात भी सही है। हाँ भाई, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा। शादी वह अच्छी हो जो जिंदगी को सुरख बना दे, या वह अच्छी हो तो नरक बना दे। हाँ भाई, जो यह छोरी कुछ कर बैठी कल को तो कौन जवाब देगा इसका? टीटू, तू इस छोरी को जिंदगी में सुखी देखना चाहे और दुखी देखना चाहे। भाई बात ऐसी है, गाँव समान पहाड़ को नहीं चलता, जो बड़े बुद्धों से चले। और हम दोनों राजी है, टीटू भी और मैं भी। दादी तेरी और टीटू की हो रही के? इसमें हंसने की कौन सी बात है? इस बात का कुछ राज करो। और ये बात भी ठीक है, प्रधान जी बात सारी ठीक है। इस शादी से मैं भी खुश हूँ और उषा भी। कौन कह रहा है मैं इस शादी से खुश हूँ? मैंने तो ये बताया मैं इस शादी से खुश हूँ। बच्चों की खुशी कौन माँ बाप नहीं देखना चाहता? अगर समाज को उषा और मनोज की शादी मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। अंजाम की फिक्र तू कर, अगर तू अभी हंसते नहीं गया तो तेरी दाह जाएगी। बस बस प्रधान जी, अगर हम अपनी बाग है ना, जबरदस्ती तुम्हारी छोरी को भी आके ले जाएंगे। जबरदस्ती? एक तक को काट कर सुनाना यही पता सरे काम की साबिश कितने मत। अरे बहुत बहुत गलत है, आवे गाँव वालों हो गया फैसला। Thank you.